हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी फिलहाल अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, और साथ में हम आज बंदरों को, बेजुबान जानवरों के लिए कुछ फल वगैरह भी वितरित करेंगे। तो केले ऑर्डर किए हैं, लगभग 75 से 80 किलो केले हैं। तो वो अभी हमने एक हमारे भाई है जयन, उसको ऑर्डर किया था, तो अभी उसी के पास जा रहे हैं। तो वहाँ से पहले लेते हैं केले, गाड़ी में पीछे लोड करेंगे। केले लोड करने के बाद में फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम इस सफ़र को तय करते हैं, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ तक हमको, कहाँ बंदर मिलेंगे क्या है, पर एक थोड़ा सा एक आइडिया है कि हमको अलवर की तरफ जाना है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखो, राइट टाइम आया हूँ मैं, उसने मुझे टाइम दिया था 7:30 का, पर अभी उसकी गाड़ी आई है। गाड़ी दिखाओ, ये देखो जो सामने कैरी ट्रक है ना गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी उसी की है। तो अभी आया है माल और मैं भी पहुंच ही गया। तो दोस्तों, अभी हमारे केले गाड़ी के ऊपर ही है, अब ये नीचे उतारेंगे, उसके बाद में हम गाड़ी में लोड करेंगे। और इस तरफ है हमारे महेंद्र भाई की दुकान, तो ये इधर पानी, कोल्ड ड्रिंक, कचौरी, समोसा, जूस वगैरह सब कुछ। और ये देखो हलवाई गर्मा गर्म बनाते रहते हैं, दिन भर यही काम है इनका। हाँ भाई, लोकेशन कौन सी है आपकी? भांडारेज मोड, NH21 पे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में NH21 पे। ये सामने देख रहे हैं वो NH21 है, और आपको यही राधिका जूस सेंटर के नाम से दुकान है, यहाँ आप आइए और इनकी भी कचौरी वगैरह टेस्ट कीजिए। यहाँ हमारे यहाँ इनकी बहुत फेमस कचौरी है। ये देखो गर्मा गर्म बन रही है, और कुछ इधर लगी हुई है, और ये देखो जो सबसे ज़्यादा जान डालती है ना कचौरी में, वो है ये राज है। इसमें खतरनाक मसाला है, वो हम शेयर नहीं करेंगे रेसिपी। सही बात है ना, अगर सब लोग जान जाओगे तो फिर वो यहाँ का स्पेशल क्या रहा। इसलिए तो अभी चलते हैं हम हमारे केले यहाँ से लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से निकलते हैं। और ये जिसको हमने ऑर्डर दिया था, वो हमारा जयन भाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको राइट टाइम पे सेवा प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी भाई को भी ज़रूरत हो एनी टाइम, तो ये जयन सैनी से कांटेक्ट करें। मोटा चलवा लिया, ले पकड़ दे मिंडे। तो अभी हम पेमेंट कर रहे हैं जो केले वगैरह लिए हैं, तो अभी पेमेंट करके फिर निकलते हैं यहाँ से, और फिर वहाँ से आगे से हम रिसीव करेंगे दीपेश को और कृपा शंकर चेची को, दोनों भाइयों को लेके फिर निकलते हैं आगे। फोन पे हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से लेके निकलते हैं। राम राम साहब, आओ साहब आओ। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है साहब, दिल्ली की हवा लग गई है आपको? और अरे ऐसा कुछ नहीं है, आओ आओ सर आओ, बैठो चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम पीछे की सैर लेते हैं। हाँ, हमेशा हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हैं। आज हमारे जितेंद्र भैया बैठे हैं इधर, आज जीतू भैया होस्ट कर रहे हैं, पर नहीं आज आप ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे यार, ऐसे 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 कोई नहीं है, जीतू भैया हमारे। अभी चेची साहब को ले लेते हैं, उसके बाद में तो चल पेस खेल ली हमारे ट्राइपॉड का पूरा जूस निकाल रहा है पूरा, निचोड़ देगा साले को आज में। जब कैमरा स्टार्ट किया तो मेरे हाथ में दे दिया, किसी और के हाथ में। ऐसा कुछ नहीं है, और ये सारा पूरा जो माजरा मेरे ऊपर आ गया, बात बांडा फूट गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम क्या है, वेट कर रहे थे कृपा शंकर चेची का, वो आया नहीं है इधर क्लास है देहरादून के सामने। तो ये क्या है, इधर से हमारा ट्राइपॉड रखा था, जीतू भैया खेल रहे थे एक्चुअल में, उधर देखो हमारे पास भी हमारा ट्राइपॉड रखा था। तो ये ऐसे कह रहे थे यार, ये इसको निचोड़ लेता हूँ मैं, थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो ये देखो कैसे इसको
हर एंगल में। बात ये है ना कि ब्लॉग में तो वीडियो में तो बोल रहे हैं कि निचोड़ लेता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो बंद करते हैं बोलेंगे दर्द है भाई, दर्द है, तोड़ दियो मारा को भाई, दर्द है भाई, दर्द है, डील हो गो वासो, डील हो गो। चलो कोई नहीं, राम राम करो, राम राम कर लो ऐसे, अब इधर भी करो, इधर भी राम राम कर लो, यूट्यूब फैमिली से टाटा कर लो, बाय 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 कर लो, करो यार, टाटा कर लो एक बार, टाटा कर लो, किसे किसे दे दो सही से नहीं कदा। शंकर जी बच्चे के कारण मतलब कि ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे, पूरा ध्यान उनका मतलब कि बच्चे की केयर में लगा हुआ है, एंजॉयमेंट इसमें ही है, वैसे ये केयर घर पे होती है, आज से पानी गालता हुआ ये बैलेंस नहीं बन रहा है, गाड़ी चलाओ, हाथ बावले इज इक्वल टू काम बावले, सही है। दोस्तों हम उतरे नहीं, उससे पहले तो गाय माता देखिए कैसे चारों तरफ से हमला बोल दिया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ गाड़ी रुकी है तो कुछ कुछ ना कुछ तो लेके आए, क्योंकि सब लोग आते रहते हैं ना, तो इसलिए नहीं खाएंगे। अरे बच्चे को नहीं डराना भाई, बच्चे को डराना नहीं है। तो दोस्तों अभी हम उतरते हैं और गाय वगैरह को डालते हैं, केले वगैरह, और ये देखो केले गाड़ी में फुल भरी है पीछे से, तो बच जाए बस, और निकाल ले, अरे और निकाल ले, आराम से रोड पे मत जा, इधर देख, इधर इधर इधर, बंदर अनुपत हो ना, घेर लिया भाई, मुझे घेर लिया, अटैक मत करना बस, अरे यार उठा खाओ ना, लाल होनी चाहिए, ले ओ आधा ले ले, अरे गायों का कोई वो नहीं है भाई, अटैक करते रहते हैं भाई, इनसे तो बच के रहना है, ये देखो आराम से हमला न हो जाए आपके ऊपर, दोस्तों ये इलाका है गोला का वास, यहाँ से मतलब मूर्तियों का कहलाता है गोला का वास, यहाँ पे ये सफेद मूर्तियों का काम ज्यादा होता है, संगमरमर की ग्रेनाइट की मूर्ति आप देख सकते हो चारों तरफ, काफी शॉप्स है, देयर इज अ बुग्गा एंड लॉट ऑफ सवारीज, और हमारा बुग्गे में कुछ अलग ही जुड़ा हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं हमको बुग्गा मिल ही जाता है, ये देखिए गाइस फिर बुग्गा मिल गया, बुग्गा चालती धुआं उड़ती सवारी अइया अइया उतरती, देख खासे तो उतरती कौन जी, सवारी जागती हम कैमरा शूट करती करती, और दोस्तों ये है सरसा माता का मंदिर है, जब आप नारायण माता के जाते हैं भानगढ़ से आगे निकलते हैं तो सरसा माता का मंदिर है ये, तो दोस्तों ये इलाका स्टार्ट हो चुका है सरिस्का का, यहाँ से सरिस्का स्टार्ट हो जाता है सरसा माता के मंदिर, सरिस्का अभ्यारण, ये देखिए भाई साहब सीन देखिए, आप बरसात के दिन में आ जाओगे ना आप तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ जाती है आपको, आपको जाने का मन नहीं करेगा, और अभी देखो ये उड़ उड़ के खा रहा है, ऐसे लग रहा है लू चल रही है, ये मौसम देखो कितना वो हो रहा है इस टाइम, यहाँ इस टाइम तो भाई तप रहा है, पर हमको तो आना था, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे कोई लोग आते नहीं है ना, तो जानवरों का कोई ध्यान नहीं रखता, तो इस टाइम हम आ गए आज हमने। दोस्तों ये गर्मी का मौसम है तो इस समय बेजुबानों को काफी कम आते हैं लोग, वैसे सावन के महीने में और बरसात के टाइम पे तो हर कोई घूमने के लिए आता है, लेकिन इस समय काफी संख्या में लोग कम आते हैं, तो
यही सही समय है बेजुबानों को फल फ्रूट वगैरह बांटने का। तो लेखराज जी, तो आज हमने डिसाइड किया और हम निकल लिए नारायणी माता के यहाँ आ गए, और अभी जो हमसे बन पाया 80 किलो लेके आए हैं। तो अभी यहाँ जो भी जानवर मिलेंगे, गाय हो तो या फिर बंदर हो, पहला केला लीसू दीदी के हाथ से खिलवाएंगे। हमारी लीसू दीदी तो अभी केले निकालते हैं। चलो ठीक है, लीसू का सुनी लाजे गदा 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 आगे दे, दीपक फोटो भी ले ले, फटाफट वीडियो भी ले, वीडियो भी ले लो, उनको देखो कैद कर ये। ए यार प्रैक्टिस किया कर थोड़ी, लो पकड़ पकड़ कैद कर पकड़। ए तेरी गंदे आदमी, इस्माइल दोस्तों ये देखिए, इस बंदर का हाथ देखिए आप, हाथ कट चुका है इस बंदर का। कैसी हालत खराब हो रही होगी इसकी, ये देखिए। तो तुम केलो दे रहे हो, केलो कौन खा रहे हो, छिलकाने का बात कर रहे थे उनको। क्या बात बेटा, क्या बात, मैं माता पुच्छी कर लूं, पुच्छी कर ले, पुच्छी कर ले। अरे थारो ही चले ले, अरे थारो ही चले ले यार, मारे कर देगा यार, को करे तू कर तो सही एक बार। देखो देख देख गंदा आदमी, पांच देख तारो केलो पड़ गो, पानी पियो नहीं, चलो भर भाई साहब, चलो भर रहे थे, चलो भर पियो, दाप गवा पांच छह खा लियो, ज्यादा खा लिया पेट भर गयो। बच्चे डर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो डर रहे हैं। डाल दे नीचे डाल दे, वो ले लेंगे। हाँ डाल दे, देखो वो ले लिया, बच्चे हैं ना वो छोटे छोटे डर रहे हैं, बाहर डाल दे, ये देखो उठा लेंगे वो अपने आप। गाइस हम आ गए बानगढ़, यहाँ पे खिलाते हैं बंदरों को केले। तो दोस्तों ये कर रही है अपनी मम्मा से बात, जो भी घटनाक्रम इसके साथ हुआ है उसको शेयर किया है। तो खोपरी मत खाओ,
तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। और दिवेश भाई, तो आप वीडियो को आप सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, हमारी ट्रिप में आपने आनंद लिया होगा, और ऐसे ही आप लगातार बेजुबानों की सेवा करते रहे। और लास्ट में हमारा एक ही कहना है, बेजुबान हमारी जान, जय हिंद जय भारत, बाय बाय टाटा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।